अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के पकोड़े, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स कुछ हमें इस तरह चाहिए। हमें चाहिए प्याज, बारीक कटी हुई हरा प्याज, पालक, आलू क्यूब में कटे हुए, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन, लहसुन की पेस्ट, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मिर्च, बेसन और पानी। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम ये सारी चीज़ें एक बाउल में डालते हैं। आलू, धनिया, हरी मिर्चें सब ऐड कर दें। सारे मसाले जो मैंने आपको पहले बताए थे ये भी ऐड कर दें। ज़ीरा, नमक, काली मिर्च, इन सब चीज़ों को भी ऐड कर दें। लेमन, अब लहसुन की पेस्ट ऐड कर दें इसमें। अच्छी तरह मिक्स करें। बेसन ऐड करें, थोड़ा सा बेसन ऐड करें, थोड़ा बाद में अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम डाल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करें, अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, हाथों की मदद से इसको मिक्स करें, हाथ अच्छी तरह धो लें। पर देखें, मिक्सर हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, थोड़ा सा बेसन और ऐड कर देते हैं, पानी थोड़ा सा और ऐड करें, मिक्स करें अच्छी तरह से। ये देखें, मिक्सर हमारा ऐसा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, थोड़ी देर फ्रिज में रखें। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने पहले गरम कर दिया था, अब फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दें और थोड़े थोड़े से इस तरह करके डालें। फ्लेम आपने मीडियम रखना है ताकि पकोड़े अंदर तक पक जाएं, कच्चे ना रहें। लास्ट में आपने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देना है, फिर उसे पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे गोल्डन हो रहे हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हैं ये। जिस तरह मैंने ये बनाए हैं पकोड़े, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इमली की चटनी की रेसिपी और पुदीने की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।